morning students, how are you? I hope you will be also fine. Dear students, आज हम करेंगे exercise 8.3. Exercise 8.3 करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है? Fractions के बारे में read करना है. तो ये page number 71. इसमें fractions के बारे में बताया गया types of fractions. तो सबसे पहले आप fractions के बारे में read करो. Unit fractions. सबसे पहले first fraction है unit fraction. यूनिट फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन हैविंग वन एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. जिसका न्यूमरेटर वन होता है वो कौन सा फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन by 6, 10 by 5.
जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। डिनोमिनेटर क्या है? 6, न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 2, न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 10। ये कौन से फ्रैक्शंस हैं? प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में न्यूमरेटर लेस होता है और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है। आगे हैं मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, वन बाय सेवन, वन बाय एट,
ये क्या है यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। आगे convert into like fractions।
number 7 multiplied by 11, 7 is 7. इसी तरह से 5 by 11 को 7 से multiply करेंगे, 5 multiply 7, 35, और 11 multiply 7, 7 is 7. 5 से और 11 से, 5 और 11, हाँ, इनसे आपने multiply करेंगे. तो exercise 8.3, इसके 3 parts मैंने करवा दिए, आगे exercise आपको खुद try करेंगे, और fractions मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं. तो अगर आपको ये fractions learn हो गए हैं, अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो फिर ये